द सीक्रेट साहित्यिक सफ़र पंजाबी ऑडियो बुक भाग तीजा रहस्य का उपयोग किवें। तुसी सिरजनहार हो, आकर्षण के नियम द्वारा जीवन का सिरजना करन दी प्रक्रिया सौखी है। महानतम उपदेशकां ते अवतारा ने अपने अद्भुत कार्यां राही असंख तरीकियां नाल सानूं इह रचनात्मक प्रक्रिया दसियां हन। कुछ महान उपदेशकां ने नीति कथावां राही सानूं ब्रह्मांड के काम करन दा तरीका दसिया है। उन्हां दीआं कहानियां दी बुद्धिमत्ता सदियां तों साडे विचकार मौजूद है अते अखाण बन चुकियां हन। वर्तमान युग दे कई लोकां नूं तां इस गल दा अहसास ही नहीं है कि इन्हां कहानियां च जिंदगी दी सच्चाई लुकी हुई है। जेम्स रे अलादीन ते उस दे चिराग दी कहानी बारे सोचो। जदों अलादीन चिराग चुकदा है अते उस दी धूड़ साफ करदा है तां जिन फौरन बाहर निकल आउंदा है। जिन हमेशा इहो ही गल कहिंदा है, तुहाड़ियां इच्छा ही मेरे लिए आदेश हन। कहानी विच कहा गया है कि जिन तीन इच्छावां पूरियां करदा है, लेकिन जेकर तुसी कहानी की तह तक जावोगे तो इस दी कोई सीमा नहीं है। तुसी जिन्नियां भी इच्छावां करोगे वह सारियां पूरियां होणगियां। एक इच्छा बारे सोचो, हुण इस दी उपमा नूं अपने जीवन ते लागू करो। याद रखो, अलादीन नूं अपनी मनचाही चीज़ मंगनी हुंदी है, फिर ब्रह्मांड जिन बन जाता है। विभिन्न परंपरावां ने इस दे वक्रे वक्रे नां दित्ते हन। तुहाडा रक्षक देवदूत, तुहाडा उचेरा आपा, असी इस ते कोई भी लेबल ला सकते हाँ अते अपने लिए सब तो वधिया काम करन वाले लेबल नूं चुन सकते हाँ। लेकिन हर परंपरा ने सानू दस्या है कि कोई चीज़ है जिहड़ी साडे तो बहुत ज़्यादा वड्डी है अते जिन हमेशा इक्को ही गल कहिंदा है, तुहाडी इच्छा ही मेरे लिए आदेश हन। यह अद्भुत कहानी दर्शाती है कि किवें तुसीं अपनी पूरी जिंदगी अते तुहाडे कोल मौजूद हर चीज़ नूं आप बनाया है। जिन ने तो सिर्फ तुहाडे हर आदेश की पालना की है। जिन आकर्षण का नियम है अते यह हमेशा मौजूद है। तुसीं जो कुछ भी सोचते हो, बोलते हो तो करते हो, उन्हां नूं यह जिन हमेशा सुन रहा है। जिन मान लैंदा है कि तुसीं जिस भी चीज़ बारे सोचते हो उस नूं पाउणा चाहुंदे हो, यह मन लैंदा है कि तुसी जिस भी चीज़ बारे बोलते हो उस नूं पाउणा चाहुंदे हो, यह मन लैंदा है कि तुसी जिस भी चीज़ ते काम करते हो उस नूं पाउणा चाहुंदे हो। तुसी ब्रह्मांड दे मालिक हो अते जिन इत्थे तुहाडी सेवा लई मौजूद है। जिन कदे तुहाडे आदेश ते सवाल नहीं करदा, तुहाडे मन च जिवें ही विचार आउंदे हन। जिन व्यक्तियां हालातां ते घटनावां राहीं तुहाडियां इच्छावां नूं पूरा करन लई ब्रह्मांड नूं फौरन सक्रिय कर दिंदा है। सिरजनात्मक प्रक्रिया रहस्य की सिरजनात्मक प्रक्रिया बाइबल दी न्यू टेस्टामेंट तो लई गई है। इस नाल तुहानूं इह सौखा मार्गदर्शन मिलता है कि अपनियां मनचाहियां चीज़ां पाउण दे तीन सौखे कदम किहड़े हन। कदम पहला, मंगा। लीसा निकोलस। पहला कदम मंगना है। ब्रह्मांड नूं आदेश दिओ, ब्रह्मांड नूं दस दिओ कि तुसीं की चाहुंदे हो। ब्रह्मांड तुहाडे विचारां ते प्रतिक्रिया करदा है। बॉब प्रॉक्टर, तुसी सचमुच की चाहते हो। बैठ जाओ तो उस चीज़ को एक कागज पर लिख लो। वर्तमान काल च लिखो, तुसी यह लिख के शुरू कर सकते हो। मैं इस वेले इन्ना खुश ते आभारी हाँ क्योंकि, अते फिर स्पष्ट करो कि तुसी अपने जीवन के हर खेत्र नूं किस तरह बनाना चाहते हो। तुहानू चोन करनी हुंदी है कि तुसी की चाहते हो, लेकिन तुहानू इस बारे स्पष्ट होना होवेगा कि तुसी असल च की चाहते हो। यह तुहाडा काम है। जेकर तुसी स्पष्ट नहीं हो तां आकर्षण दा नियम तुहानू तुहाडी मनचाही चीज़ नहीं दे सकदा। जेकर तुसी मिश्रित फ्रीकुएंसी भेजोगे तां तुहानू सिर्फ मिश्रित नतीजे ही मिल सकते हैं। शायद जिंदगी च पहली वारी यह पता लाओ कि तुसी हकीकतन की चाहते हो। हुण जद तुसी जान चुके हो कि तुसी कुछ भी पा सकते हो, बन सकते हो जां कर सकते हो ते कोई सीमा नहीं है, तां दसो कि तुसी की चाहते हो। मंगना सिरजनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए मंगन की आदत पा लो। जेकर तुहानू विकल्प चुनना होवे लेकिन तुसी यह तय नहीं कर पा रहे होवो कि किस राह ते जाइए तो मार्गदर्शन मंगो। तुहानू जिंदगी दे किसी भी खेत्र च असफल होने की लोड़ नहीं है, बस मंग लवो। डॉक्टर जो विटाल, यह सचमुच मजेदार है। यह तो उही गल होगी जिवें ब्रह्मांड तुहाडा कैटलाग होवे। तुसी इस दे वर्के पलटदे हो ते कहिंदे हो, मैं इस घटना नूं पसंद करांगा, मैं उस चीज़ नूं पसंद करांगा, मैं इंज दा व्यक्ति बनना पसंद करांगा। तुसी ब्रह्मांड नूं अपना आर्डर दे दिंदे हो। यह दरअसल इन्ना सौखा ही है। तुहानूं वार वार मंगन दी लोड़ नहीं है, बस एक वारी मंगना ही काफ़ी है। यह किसे
कैटालॉग तो आर्डर देन वर्गा ही है। तुसी सिर्फ एक बार ही किसी चीज़ का आर्डर देंदे हो। एक बार आर्डर देन तो बाद तुहाडे मन च यह शंका नहीं होंदी कि तुहाडा आर्डर पुजेगा जां नहीं। तुसी घबरा के दूजी बार तीजी बार जां चौथी बार आर्डर नहीं देंदे। तुसी सिर्फ एक बारी आर्डर देंदे हो। यही उसारों प्रक्रिया च भी हुंदा है। पहला कदम सिर्फ इस बारे स्पष्ट होना है कि तुसी की चाहते हो। जेकर तुसी अपने दिमाग च स्पष्ट कल्पना कर ली है तो तुसी मंग लिया है। कदम दूजा यकीन करो। लीसा निकोलस। दूजा कदम यकीन करना है। यकीन करो कि वह चीज़ तुहाड़ी हो चुकी है। मैं इसनों अटल आस्था कहना पसंद करती हाँ। अदृश्य विच यकीन करना। तुहानू यकीन करना होगा कि वह चीज़ तुहानू मिल चुकी है। तुहानू विश्वास होना चाहिदा है कि जिस पल तुसी उसनों मंगिया है उस पल वह तुहाड़ी हो चुकी है। तुहानू पूरी ते पक्की आस्था रखनी है। जेकर तुसी कैटलॉग तो किसी चीज़ का आर्डर दे देंदे हो तो इस तो बाद तुसी तसली नाल बैठ जाते हो ते जिंदगी विच अगे वध जाते हो। क्योंकि तुसी जानते हो कि तुसी जिस चीज़ का आर्डर दे दिता है वह तुहानू मिल ही जाएगी। चीज़ां नू इस तरह देखो जिवें तुहाड़ी मनचाही चीज़ां इस वेले तुहानू मिल चुकियां हन। विश्वास रखो कि वह चीज़ां लोड़ वेले तुहाड़े कोल आ जाणगियां। बस उन्हां नू आउण दिओ। उन्हां बारे चिंता ना करो जां परेशान ना होवो। उन्हां दी कमी बारे ना सोचो। उन्हां बारे इंज सोचो जिवें वह तुहाड़ी हो चुकियां हन। तुसी उस दे हकदार हो अते मालक हो। जिस पल तुसी मंगदे हो अदृश्य शक्तियां च यकीन करदे हो ते यह महसूस करते हो कि तुहाड़ी मनचाही चीज़ पहला तो ही तुहाड़े कोल है उस वेले पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर तुहाड़ी कल्पना नू सकार करन विच जुट जाता है। तुहानू इस तरह का काम करना बोलना ते सोचना है जिस विच तुसी हुणे हासिल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड एक आयना है अते आकर्षण दा नेम तुहाड़े प्रबल विचारां नू सकार करके तुहाड़े तक पहुँचाउंदा है। तां कि इस च समझदारी नहीं है कि तुसी उस नू अपने आप नू पाउंदे देखो। जेकर तुसी इंज सोचोगे कि वह चीज़ तुहानू हुण ताईं नहीं मिली तां तुसी उस चीज़ दे ना मिलण नू आकर्षित कर लवोगे। इसलिए तुहानू यकीन करना होवेगा कि तुसी उस नू हासिल कर चुके हो। तुहानू यकीन करना होवेगा कि वह चीज़ तुहानू मिल चुकी है। जेकर तुसी उन्हां चीज़ां दीआं तस्वीरां नू अपने जीवन च साकार करना चाहुंदे हो तां तुहानू उन्हां नू पाउण दी भावना दी फ्रीकुएंसी ब्रह्मांड वल भेजनी होवेगी। इंज करन नाल तुसी तमाम हालातां लोकां अते घटनावां नू जबरदस्त तरीके नाल प्रेरित कर देंदे हो जिस नाल तुहानू अपनी मनचाही चीज़ मिल जावे। जदों तुसी वकेशन दी बुकिंग करदे हो नवीं कार दा आर्डर देंदे हो जां मकान खरीददे हो तां तुसी जानदे हो कि उह चीज़ां तुहाडियां हो चुकियां हन। तुसी जा के उस समय लई एक होर वकेशन दी बुकिंग नहीं करदे जां एक होर कार जां मकान नहीं खरीददे हो। जेकर तुसी लाटरी जित जांदे हो जां तुहानू विरासत चो ढेर सारी दौलत मिलदी है तां तुसी भौतिक तौर ते पैसा मिलन तो पहला ही तुसी उस नू अपना मन लैंदे हो। इसे नू ही यकीन करन दी भावना कहिंदे हन। यकीन करो कि वह चीज़ तुहाडी हो चुकी है। तुहानू मिल चुकी है। प्रबल भावना नाल उन्हां चीज़ां ते दावा करो जिन्हां नू तुसी चाहुंदे हो अते यकीन करो कि वह तुहाडी हो चुकियां हन। जदों तुसी इस तरह करोगे तो आकर्षण दा नियम प्रबलता नाल सारी परिस्थितियां लोकां ते घटनावां नू प्रेरित कर देवेगा ताकि तुहानू तुहाडी मनचाही चीज़ हासिल हो जाए। तुसी यकीन करन दे बिंदू तक किस तरह पुज सकते हो। यकीन करन दा नाटक करो। बच्चियां वांग नाटक करो। इस तरह नाटक करो जिवें उह चीज़ पहला तो ही तुहाडे कोल है। जदों तुसी लगातार नाटक करदे रहोगे तो हौली हौली तुसी इस गल ते यकीन करन लगोगे कि उह चीज़ तुहानू मिल चुकी है। जिन सिर्फ तुहाडे मंगन वेले ही प्रबल विचारां ते प्रक्रिया नहीं करदा जिन तां हर वेले तुहाडे प्रबल विचारां ते प्रक्रिया करदा है। इसलिए मंगन तो बाद भी तुहानू यकीन रखन दी लोड़ हुंदी है। आस्था रखो तुहानू उह चीज़ मिल चुकी है। इस बारे तुहाडा अटल विश्वास तुहाडी अडिग आस्था तुहाडी सब तो वड्डी शक्ति है। जदों तुसी यकीन करदे हो कि उह चीज़ तुहानू मिल चुकी है तां जादू देखण लई तैयार हो जाओ। तुसी जो चाहे पा सकते हो। बेशर्ते तुसी उस नू अपने विचारां दे सांच च ढालण दा तरीका जानदे होवो। इहो जिहा कोई सुफना नहीं है जिहड़ा साकार ना होवे। बेशर्त तुसी अपने माध्यम तो काम कर रही सिरजनात्मक शक्ति का इस्तेमाल करना सीख लो। जिहड़े तरीके एक व्यक्ति लई काम करदे हन उह सारियां लई काम करनगे। तुहाडे कोल जो भी है उस दे प्रयोग च ही शक्ति दी कुंजी है। इस तरह तुसी अपने पौन दे दरवाजे नू ज़्यादा खोल लैंदे हो।
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਵਿਟਾਲ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਚਾਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੈਕ ਕੈਨਫੀਲਡ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੌਬ ਪ੍ਰੋਕਟਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਧ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਵਿਟਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਚ ਆਸਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੌਬ ਪ੍ਰੋਕਟਰ, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੀਸਾ ਨਿਕੋਲਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁੰਠਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬਦਲ ਲਓ, ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਟਲ ਆਸਥਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਦਮ ਤੀਜਾ ਪਾਓ। ਲੀਸਾ ਨਿਕੋਲਸ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਮਾਰਸੀ ਸ਼ਮੋਫ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਚਾਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ ਬਰਨਾਲਡ ਬੈਕਵਿਥ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਵੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਗੋ, ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੋਗੇ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਮਾਮ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤਨ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਸਹੇਲੀ ਮਰਸੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਚਾਹੀ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੋਂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਬੌਬ ਪ੍ਰੋਕਟਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੋਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਾ ਲਵੋਗੇ।
ਬੌਬ ਡੋਇਲ। ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਬਸ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਚਾਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਨ ਚਾਹੀ ਕਾਰ 'ਚ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਮਕਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਚਾਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਚਾਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਚਾਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੋਗੇ। ਬੌਬ ਡੋਇਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਥੱਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਮ ਕੰਮ ਵਰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਮ ਉਹ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਗਏ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਮ ਯਤਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਭੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਤਾਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਂਗ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਯਤਨ ਬਗੈਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਤਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਲੈ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਵਿਟਾਲ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਨੋਵੇਗ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹਿਜ ਬੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਹਿਜ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਉਣ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਹਿਜ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚੁੰਬਕ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੌਬ ਪ੍ਰੋਕਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਚਾਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਚੁੰਬਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚੁੰਬਕੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਚੁੰਬਕ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਥਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਈਕਲ ਬਰਨਾਲਡ ਬੈਕਵਿਥ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਨ ਚਾਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਕਾਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਜੈਕ ਕੈਨਫੀਲਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ 'ਚ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਿਰਫ 100 ਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਰਾਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਅਗਲੇ 200 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 200 ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 200 ਫੁੱਟ, ਤਾਂ ਇੰਝ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਚਾਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਆਸਥਾ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹੱਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰ ਸਕਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਭਵਿੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਸਤਿਸ਼ਕ 'ਚ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾ ਸੀਕਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਵੋ। ਰਹੱਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਡਾਇਟਿੰਗ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਟੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਦੁਬਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵਹੇਲਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਚਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਜੱਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਟੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। 2 ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਵੱਲ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀ। ਮਦਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰਾ ਭਾਰ 143 ਪਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਹਰੀ ਬਕਵਾਸ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਜੇਕਰ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੀਮਤ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨਾ ਲਵੋ ਕਿ ਇੰਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਭਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਬਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰੰਜ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਖ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,
मैं जिन्ना चाहा खा सकता हाँ, लेकिन मेरा भार हमेशा उत्तम रहिंदा है। ब्रह्मांड का जिन कहिंदा है तुहाड़ी इच्छा ही मेरे लिए हुक्म हन। सिरजनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके अपने उत्तम भार ते शरीर नूं आकर्षित करन लई इन्हां कदमां दी पालना करो। कदम पहला, मंगा। उस भार च स्पष्टता नाल सोचो जिहड़ा तुसीं पाउणा चाहुंदे हो। अपने दिमाग च स्पष्ट तस्वीर रखो कि आदर्श भार होण तों बाद तुसीं किस तरह दिखोगे। तुसीं आदर्श भार दीआं तस्वीरां सामने रखो ते उन्हां वल अक्सर देखो। जेकर तुहाडे कोल अपनी खुद दीआं तस्वीरां ना होण तां मन चाहे शरीर दी दूजिआं दीआं तस्वीरां अक्सर देखदे रहो। कदम दूजा, यकीन करो। तुहानूं यकीन करना होवेगा कि तुहानूं मिलेगा। तुहानूं विश्वास करना होवेगा कि तुहाडा भार उत्तम हो चुकिआ है। तुहानूं इस तरह कल्पना करनी होवेगी, नाटक करना होवेगा, एक्टिंग करनी होवेगी जिवें तुहाडा भार आदर्श हो चुकिआ है। तुहानूं खुद नूं आदर्श भार पाउंदे होए देखना होवेगा। तुहाडा मन चाहा भार लिख के अपने भार तोलन दी मशीन ते रीड आउट ते रख दिओ जां खुद दा भार ना लओ। तुहाडे अपने विचारां शब्दां ते कारजां च जो मंगिआ है उस गल नूं ना कट्टो। अपने वर्तमान भार दे हिसाब नाल कपड़े ना खरीदो। प्रतीत रखो ते उन्हां कपड़िआं ते ध्यान केंद्रित करो जिन्हां नूं भविख च खरीदोगे। आदर्श भार नूं आकर्षित करना ब्रह्मांड दे कैटलॉग चों आर्डर देण वर्गा ही है। तुसीं कैटलॉग च देखदे हाँ, आदर्श भार चुनदे हाँ, अपना आर्डर दिंदे हाँ ते अपना आर्डर कीता होया भार तुहाडे तक पुज जांदा है। अपने आदर्श भार वाले लोगों की तलाश करो, उन्हां दी शलांघा करो ते दिल ही दिल उन्हां दी तारीफ करन दा निश्चय करो। जदों तुसीं उन्हां दी शलांघा करदे हो ते उस भावना नूं महसूस करदे हो तां तुसीं उस आदर्श भार नूं सद्दा दे रहे हो। जेकर ज़्यादा भार वाले लोग नज़र आउण तां उन्हां ते ध्यान ना दिओ, बल्कि तुरंत अपना ध्यान मोड़ के अपने आदर्श शरीर वाली तस्वीर ते लै जाओ ते उस नूं महसूस करो। कदम तीजा, पाओ। तुहानूं चंगा महसूस करना चाहीदा है। तुहानूं अपने बारे च चंगा महसूस करना चाहीदा है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जेकर तुसीं इस वेले अपने शरीर बारे माड़ा महसूस करते हो तां फिर तुसीं अपने आदर्श भार नूं आकर्षित नहीं कर सकते। जेकर तुसीं अपने शरीर बारे माड़ा महसूस करते हो तां यह एक शशकत भाव है ते तुसीं अपने शरीर के बारे च माड़े भावां नूं आकर्षित करते रहोगे। जेकर तुसीं अपने शरीर की आलोचना करोगे तो इस च कमियां खोजते रहोगे तो तुसीं कदे नहीं बदल पावोगे। सच तो यह है कि इस नाल तुसीं ज़्यादा भार नूं अपने वाल आकर्षित करोगे। अपने शरीर के रोम रोम की तारीफ करो ते रब का शुक्र करो। अपने बारे सारियां उत्तम गल्लां सोचो। जदों तुसीं अपने बारे उत्तम विचार सोचते हो तो चंगा महसूस करते हो तो तुसीं अपने आदर्श भार की फ्रीकुएंसी ते हो, अपने आदर्श भार नूं सद्दा दे रहे हो। वैलन वैटलस ने अपनी एक पुस्तक च खाण बारे एक अद्भुत सलाह दिती है। वह सलाह देंदे हन कि खाण वेले चबाउण दे अनुभव ते पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहीदा है। अपने मस्तिष्क नूं उस ते केंद्रित करो अते खाना खाण दी अनुभूति नूं महसूस करो। अपने दिमाग नूं दूजियां गल्लां वल ना भटकन दिओ। अपने शरीर ते ध्यान केंद्रित करो अते अपने मूँह च भोजन चबाउण दी अनुभूतियां दा आनंद माणो। अगली वार खाना खाण वेले इस नूं अजमा के वेखो। खाण वेले जदों तुहाडा सारा ध्यान इस ते केंद्रित हुंदा है तां उसका स्वाद बहुत वधिया अते जायकेदार हुंदा है। ध्यान भटकण ते स्वाद तकरीबन गायब हो जांदा है। मैनूं यकीन है जेकर असीं अपने भोजन नूं पूरे ध्यान नाल खाइए, उस दे आनंददाई अनुभवां ते पूरा ध्यान केंद्रित करिए तां भोजन साडे शरीर च आदर्श रूप विच पच जांदा है अते सिट्टे वजों सानूं आदर्श भार मिल जांदा है। भार दी मेरी अपनी कहानी दा अंत इह है कि हुण मेरा भार 116 पाउंड है जिहड़ा मेरे हिसाब नाल आदर्श है ते मैं जो चाहां खा सकदी हाँ। असल गल इह है कि अपने आदर्श भार ते ध्यान केंद्रित करो। इस विच किन्ना समां लगदा है? डॉक्टर जो विटाल। लोग एक होर सवाल पुछदे हन, उस कार व्यक्ति पैसे दे प्रगट होण विच किन्ना समां लगेगा? मेरे कोल कोई नेम पुस्तिका नहीं है जिस च लिखिया होवे कि इस विच 30 मिनट जां 3 दिन जां 30 दिन लगनगे। इह तां तुहाडे ते ब्रह्मांड दे नाल मेल होण जां जुड़न दा मामला है। समां इक भरम है। आइनस्टाइन ने सानूं इह गल दसी है कि जेकर तुसीं इह गल पहली वारी सुनी होवे तां शायद तुहानूं इह धारणा समझना मुश्किल लगे क्योंकि तुसीं हर चीज़ नूं एक तो बाद एक होंदे देखते हो। क्वांट्स भौतिक शास्त्री अते आइनस्टाइन सानूं दसदे हन कि
हर चीज़ इक्को वेले हो रही है। जेकर तुसी समझ सको कि समय की होंद ही नहीं है अते इस धारणा नूं स्वीकार कर सको तो तुसी देखोगे कि तुसी भविख च जो चाहते हो वह पहला तो ही मौजूद है। जेकर हर चीज़ इक्को वेले हो रही है तो तुसी जिहड़ी चीज़ चाहते हो उस दे नाल समांतर प्रतिरूप पहला तो ही मौजूद है। ब्रह्मांड नूं तुहाडी मनचाही चीज़ प्रगट करन च थोड़ा जिहा भी समा नहीं लगता। जिहड़ी भी देरी हुंदी है तुहाडे वल्लों हुंदी है। तुसी यकीन करन जानन ते महसूस करन दी उस जगह तक देरी नाल पुजदे हो जिथे तुहानूं इह अहसास हुंदा है कि वह चीज़ तुहाडे कोल पहला तो ही मौजूद है। तुसी अपनी मनचाही चीज़ की फ्रीकुएंसी तक पुजन च समा ला देंदे हो। जदों तुसी उस फ्रीकुएंसी ते पुज जांदे हो ता तुहाडी मनचाही चीज़ प्रगट हो जाती है। बॉब डॉयल। आकार ब्रह्मांड लई कुछ नहीं है। विज्ञानक पद्धर ते किसी वड्डी चीज़ नूं आकर्षित करना बड़ी छोटी चीज़ के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल नहीं होंदा। ब्रह्मांड हर चीज़ बिना कोशिश दे करदा है। घा पुंगरन वेले तनाव विच नहीं आउंदी है। यह बिना यतन दे हुंदा है। यही तो महान योजना है। सारा कुछ इस ते निर्भर करता है कि तुहाडे दिमाग च की चल रहा है। सारा कुछ इस ते निर्भर करता है कि असी अपने दिमाग च की रखते हाँ। असी आम करके यह कहिंदे हाँ यह वड्डी चीज़ है इस विच थोड़ा समा लगेगा अते यह छोटी चीज़ है इसलिए एक घंटे का समा काफ़ी है। यह साढ़े नियम हैं जिन्हों असी परिभाषित करते हाँ। ब्रह्मांड च देरी का कोई नियम नहीं है। अपनी मनचाही चीज़ इस वेले पाउण दीआं भावनावां लै आओ। ब्रह्मांड फौरन प्रतिक्रिया करेगा भावें उह चीज़ जिहड़ी भी होवे। ब्रह्मांड लई समा जां आकार का कोई महत्व नहीं हुंदा। एक डालर नूं प्रगट करना भी इसलिए उन्ना ही सौखा है जिन्ना कि 10 लाख डालर नूं। प्रक्रिया उही है। एक चीज़ बहुत छेती आउंदी है अते दूजी चीज़ नूं आउण विच ज़्यादा देर लगदी है। इस दा इकला कारण तुहाडी इह सोच सी कि 10 लाख डालर बहुत वड्डी रकम हुंदी है ते 1 डालर बड़ी छोटी। बॉब डॉयल। कुछ लोगों नूं छोटियां चीज़ां च ज़्यादा सौख हुंदी है इसलिए असी कई वारी कहिंदे हाँ छोटियां चीज़ां नाल शुरू करो जिवें 1 कप कॉफी नाल। अज 1 कप कॉफी आकर्षित करन दी भावना रखो। बॉब प्रॉक्टर। किसे पुराने दोस्त नाल गल करन दी तस्वीर अपने दिमाग च रखो जिस नूं तुसी लंबे समय तो ना देखिया होवे। किसे ना किसे तरह कोई तुहाडे नाल उस बारे गल करन लगेगा। वह दोस्त तुहानूं फोन करेगा जां तुहानूं उस दी चिट्ठी जां सुनेहा मिलेगा। किसे छोटी चीज़ नाल शुरू करना अपनियां अखां तो आकर्षण दी नियम दी सटीकता देखण दा सौखा तरीका है। मैं तुहानूं एक गभरू दी कहानी दसदी हाँ जिसने ठीक यही कीता सी। उसने द सीक्रेट फिल्म देखी ते किसे छोटी चीज़ नाल शुरू करन दा फैसला लिया। उसने अपने दिमाग च एक खंभ दी तस्वीर बनाई ते यह सुनिश्चित कीता कि वह खंभ अनूठा है। उसने उस खंभ तो कुछ खास निशानियां दी कल्पना भी कीती तां जो उस खंभ दे दिसदिया ही वह बगैर किसी शक दे जान जावे कि वह आकर्षण दे नियम कारण ही उस तक पुज्या है। 2 दिनों बाद वह न्यूयॉर्क सिटी च एक उच्ची इमारत अंदर पैदल जा रहा सी। उसने कहा कि अंदर वड़न समय उसने एवें ही थले देखा। उत्थे उस दे पैरां कोल ओह खंभ पिया सी। न्यूयॉर्क सिटी च उच्ची इमारत दे गेट ते खंभ ओह भी कोई ऐदां उदां दा खंभ नहीं बल्कि ठीक ओही खंभ जिस दी उसने कल्पना कीती सी। इह उस दी कल्पना दी तस्वीर दे मुताबिक ठीक सी अते उस ते ओह सारे निशान मौजूद सन। उस वेले ओह बिना किसी शक दे जान गया कि आकर्षण दा नियम सचमुच प्रबलता ते सटीकता नाल काम करदा है। उसनूं अपनी हैरानी को समर्था ते शक्ति दा अहसास हो गया कि ओह अपने मस्तिष्क दी शक्ति नाल किसे भी चीज़ नूं अपने वल आकर्षित कर सकता है। पूरे विश्वास नाल हुण ओह ज़्यादा वड्डियां चीज़ां नूं पाउण वल वध गया है। डेविड सकरमर। निवेश सिक्ख्यक उपदेशक ते धन विशेषज्ञ। लोग इस गल ते हैरान होंदे हन कि मैनूं पार्किंग दी थां क्यों मिल जांदी है। रहस्य समझण तों बाद मेरे नाल इस तरह लगातार हो रहा है। मैं पार्किंग दी मनचाही थां दी कल्पना करदा ते 95% मौक्यां ते ओह थां मैनूं खाली मिलदी ते मैं सीधे अपनी कार अंदर लै जा के खड़ी कर दिंदा। 5% मौक्यां ते मैनूं 1-2 मिंट इंतजार करना हुंदा ते फिर उत्थों दी कार बाहर निकल जांदी ते मैं अपनी कार खड़ी कर दिंदा। इस तरह हर वार हुंदा। हुण तुसीं समझ सकदे हो कि मैनूं पार्किंग दी थां हमेशा मिल जांदी है। कहण वाले व्यक्ति नूं हर वार पार्किंग दी थां क्यों मिल जांदी है जां मैं सचमुच ही खुशकिस्मत हाँ मैं हर वेले जितदा हाँ। कहण वाला व्यक्ति
एक तो बाद एक जित हासिल करता चला जाता है हमेशा। यह लोग इस दी आस करते हैं, महान चीज़ों की आस करो, इंज करन नाल तुसी अपने जीवन का सिरजना आप करोगे। अपने दिन की योजना पहला तो बनाओ। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके तुसी अपने पूरे जीवन की योजना पहला तो ही बना सकते हो, उस अगले काम की भी जिहड़ा तुसी अज करन वाले हो। मलफोर्ड एहो जिहे टीचर हन जिन्हां दी लेखनी च आकर्षण के नियम ते इस दे प्रयोग बारे बड़ा ज्ञान भरिया पिया है। उन्होंने दर्शाया है कि अपने दिन बारे पहला तो सोचना इन्ना महत्वपूर्ण क्यों है। जदों तुसी अपने आप नूं कहिंदे हो मेरी यात्रा सुखमई होवेगी, तां तुसी दरअसल जान तो पहला इहो जिहियां शक्तियां ते तत्तां नूं भेज रहे हो जिहड़े स्थितियां नूं इस तरह व्यवस्थित कर देणगे तां कि तुहाडी यात्रा सुखमई हो जावे। जदों तुसी यात्रा जां शॉपिंग करन जान तो पहला तुसी बुरे मूड विच हुंदे हो जां डरे होए हुंदे हो, तां तुसी अदृश्य प्रतिनिधियां नूं अपने तो अगे भेज रहे हो जिहड़े किसे तरह नापसंद हालातां नूं पैदा कर देणगे। साढ़े विचार जां दूजे शब्दां च साडी मानसिक अवस्था हमेशा पहला तो ही चंगी जां माड़ी चीज़ नूं उत्पन्न करन दा काम करदी है। फ्रैटिस मलफोर्ड ने यह शब्द 1870 दे दहाके च लिखे सन। किन्नी क्रांतिकारी सोच सी। तुसी स्पष्टता नाल देख सकते हो कि हर दिन हर घटना बारे पहला तो सोचना इन्ना महत्वपूर्ण क्यों है। बेशक तुहानू पहला तो अपने दिन बारे सोचन दा पुट्ठा जां प्रतिकूल अनुभव होया होवेगा अते इस दा नतीजा जल्दबाजी ते हड़बड़ी है। जेकर तुसी छेती ते काली च हो तां जान लो कि इह विचार कारज डर ते अधारित है अते तुसी भविख च अपने लई माड़ियां चीज़ां उत्पन्न कर रहे हो। जदों तुसी जल्दबाजी जारी रखते हो तां तुसी अपनी राह च एक तो बाद दूजी माड़ी चीज़ नूं आकर्षित करोगे। इस तो इलावा आकर्षण दा नियम भविख च इहो जिहे हालात उत्पन्न कर देवेगा जिन्हां नाल तुहाडी छेती ते काली होर ज़्यादा वध जाएगी। तुहानू रुक के उस फ्रीकुएंसी तो दूर हटना पवेगा। जेकर तुसी माड़ियां चीज़ां नूं अपने कोल नहीं बुलाउणा चाहुंदे तां कुछ समां कढ लो ते अपने आप नूं बदल लो। कई लोग खास करके पछमी समाज दे लोग समय दे पिछे दौड़दे ते शिकायत करदे हन कि उन्हां कोल बथेरा समां नहीं रहिंदा। देखो जेकर कोई कहिंदा है कि उन्हां दे कोल बथेरा समां नहीं है तां इह आकर्षण दे नियम कारण ही हुंदा है। जेकर तुसी बथेरा समां ना होण दे विचारां नाल गोल गोल घूमी जा रहे हो तां भविख च दृढ़ता नाल ऐलान करो मेरे कोल बथेरे समय तो भी ज़्यादा समा है। इस तरह तुसी अपनी जिंदगी बदल लवोगे। तुसी इंतजार करन दे समय दा उपयोग करके उसनू सार्थक बना सकते हो। तुसी उसनू अपने भावी जीवन दा निर्माण करन अते शशकत समय विच तब्दील कर सकते हो। अगली बार जदों तुसी किसे दा इंतजार करो तां उस खाली समय दा लाहा चुक के अपनी सारियां मनचाहियां चीज़ां नू पाउण दी कल्पना विच जुट जाओ। तुसी इह काम हर थां हर समय कर सकते हो। जीवन की हर स्थिति नूं सकारात्मक स्थिति च बदल लो। जिंदगी की हर घटना बारे पहला तो सोचो। सोच के सकारात्मक नतीजे की कल्पना करन दी आदत पा लो। अपने हर काम तो अपनी हर यात्रा च ब्रह्मांड की शक्तियां नूं अपने तो अगे भेजो। यह सोच लो कि तुसी किहो जिहे नतीजे चाहुंदे हो। जेकर तुसी इस तरह कर सकते हो तां तुसी अपनी इच्छा नाल अपने जीवन का निर्माण कर लवोगे। रहस्य संखेप। अलादीन दे जिन वांग ही आकर्षण दा नियम भी साढ़े हर आदेश दा पालन करदा है। सिरजनात्मक प्रक्रिया तुहाडी मनचाही चीज़ नूं पाउण च तुहाडी मदद करदी है। इस दे तीन सौखे कदम हन। मंगा, यकीन करो अते पाओ। ब्रह्मांड तो अपनी मनचाही चीज़ मंगण दा मतलब इस बारे च स्पष्ट होना है कि तुसी की चाहुंदे हो। जेकर तुहाडे दिमाग च स्पष्ट तस्वीर है तां तुसी मंग लिया है। यकीन रखन च इस तरह काम करना, बोलना ते सोचना शामिल है जिवें तुहानू मंगी हुई चीज़ मिल चुकी है। जदों तुसी इस नूं पा लैण दी फ्रीकुएंसी भेजदे हो तां आकर्षण दा नियम लोकां घटनावां ते परिस्थितियां नूं अनुकूल बना दिंदा है। पाउण दा मतलब उस तरह महसूस करना है जिवें तुसी इच्छा पूरी होण तों बाद महसूस करोगे। हुणे चंगा महसूस करके तुसी मन चाही चीज़ दी फ्रीकुएंसी ते पुज जांदे हो। भार घट करन लई भार घट करन उत्ते ध्यान केंद्रित ना करो। इस दी बजाए अपने उत्तम भार ते ध्यान केंद्रित करो। अपने उत्तम भार दीआं भावनावां महसूस करोगे तां तुसी उस नूं सद्दा दे के अपने वल आकर्षित कर लवोगे। ब्रह्मांड नूं तुहाडी इच्छा पूरी करन च थोड़ा भी समां नहीं लगदा। इस लई $1 प्रगट करना भी उन्ना ही सौखा है जिन्ना कि $10,00,000। आकर्षण दे नियम दी शक्ति नूं महसूस करन दा सौखा तरीका इह है कि एक कप कॉफी जां पार्किंग दी जगह वर्गी
ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੋਗੇ। ਹਰ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ।